फेसबुक कवर पेज का फोटो बनाने के लिए सबसे पहले हम साइज सिलेक्ट करेंगे और उस साइज को फोटोशॉप में एंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले विड्थ एंटर करते हैं जो कि है 1200 और उसके बाद हाइट एंटर करेंगे जो कि है 628। उसके बाद हम इस साइज को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस साइज को हमने क्रिएट किया और ये साइज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर ये इमेज सक्सेसफुली ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है और हम इस इमेज को इस साइज पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ से उठाया और इसे यहाँ पर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद हमें जो ट्रांसपेरेंट ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले हम पेंट टूल सिलेक्ट करेंगे। पेंट टूल सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर हो जाएगा। कलर होने के बाद हम इसमें टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और इस फ़ोटो की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यानी हम जो फेसबुक पेज पर ये लगाने वाले हैं किस लिए लगाने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देगा उसे यहाँ पर टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव हम इसे JPG फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे नेम देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस फोटो को हम फेसबुक पेज पर लगा के देखते हैं। तो इसे अपलोड करते हैं। यहाँ पर इसे FB पेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है।